हेलो दोस्तों, नमस्कार। लगातार मैं आपको सभी इंडस्ट्रियों और जॉब से रिलेटेड जानकारी दे रहा हूं। और दोस्तों, आज मैं CRSE इंडस्ट्री वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। यह जारी किए गए निर्देश तो किस मतलब क्या निर्देश जारी किए गए हैं और किस डेट सेट के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। CRSE ने जारी की BEd, NCET और CI अप्रूव्ड कोर्सों की डेट शीट 9 सितंबर से होगी शुरू। परीक्षाएँ VV ने गाइडलाइंस में भी जारी की, तो एक गाइडलाइंस आप ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो आगे भी आपके पेपर होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में होंगे तो आपके मतलब दिशा निर्देश काम आएंगे। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ज़रूर देख लें। आवेदन को केवल एक ऑप्शन ऑफलाइन या ऑनलाइन विकल्प चुनना होगा। ये एक बहुत ही बड़ी मतलब अपडेट है। ऑनलाइन परीक्षाएँ लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम अनुसार होगी और सब्जेक्टिव टाइपर्स आएंगे जिन्हें बाद में स्कैन करके अपलोड करना होगा। ऑनलाइन परीक्षा के विद्यार्थी हार्डवेयर मोबाइल इंटरनेट खुद का होगा। इंटरनेट व हार्डवेयर के सही तरीके से चलने या न चलने पर विद्यार्थी की जिम्मेदारी होगी। उसके बाद विद्यार्थी क्लेम नहीं कर सकेगा। किसी प्रकार की मूवमेंट होने पर विद्यार्थी का UMC बनाया जाएगा। उत्तर पुस्तक अपलोड करने के लिए 60 मिनट दिए जाएंगे, मतलब 1 घंटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये साफ साफ इंस्ट्रक्शन ने बोल दिया है। उसमें कुछ भी गड़बड़ हुई, पेपर देते समय मूवमेंट हुआ कुछ भी, तो आपकी UMC बन जाएगी। 9 सितंबर से आपके पेपर हैं। गाइडलाइंस मैंने आपको बता दी है। डेट शीट आपकी आप साइट पर जाकर देख सकते हैं। और 2 से 5 सायकालीन सत्र में आपकी परीक्षाएँ होंगी। और अंतिम तिथि जो आवेदन करने की, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 5 सितंबर रखी गई है। और 6 अक्टूबर तक आयोजित है, जो सितंबर से 6 अक्टूबर तक आपकी परीक्षाएँ होंगी। और डेट शीट के बारे में जो रजिस्ट्रार उन्होंने क्या बोला है, मैं आपको बता देता हूँ। BEd और NCET और CI अप्रूव्ड कोर्सों की परीक्षा 9 सितंबर से शुरू हो रही हैं। इसके लिए डेट शीट जारी कर दी गई है। जो विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा देना चाहते हैं वह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर राजेश बंसल, रजिस्ट्रार CRSE। तो दोस्तों, कुछ खबर थी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, और जो BEd के स्टूडेंट्स हैं उनके पास ज़रूर पहुँचाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।